योग आसन प्राणायाम आदि करते हैं तब इसका पूरा लाभ होता है। तो मैं आपको आपकी जिंदगी के लिए छोटे छोटे कुछ चार नियम बताना चाहता हूं, और ये चार नियम का पालन आप सब करिए। मैं आपको विनम्रतापूर्वक लेकिन विश्वास से कहता हूं कि ये चार नियम का जो भी पालन करेगा, जिंदगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएंगे नहीं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी खुद 40-45 साल से इन चार नियमों का पालन करते हैं। आप भी अगर ये पालन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी करता हूं मेरे जीवन। मैं पिछले 15 वर्षों से योग प्राणायाम करता हूं, उसके साथ कुछ नियम मैंने बनाए हैं, वो नियम का पालन करता हूं, और वही नियम आपको बताना चाहता हूं। स्वामी जी पालन करते हैं, मैं करता हूं, हमारे लाखों योग शिक्षक करते हैं, और इन नियमों का पालन करने से हमको इतना लाभ हुआ है कि कभी बीमारी आती नहीं। 15 साल से मैंने हर बार मेरा बीपी चेक किया, नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। पिछले 15 साल में कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, गला भी नहीं बैठा, कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। और वो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम निरोगी हैं, स्वस्थ हैं। ये निरोगी और स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद की एक छोटी सी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है, रोगमुक्त होना है, तो अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखे। अपना वात, पित्त और कफ, तीनों का संतुलन रखे। वो 3 तरह के दोष हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त, कफ। आपने सुना होगा ये त्रिदोष आधारित शरीर है। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज्यादा रोग आते हैं। जब पित्त बहुत बिगड़ जाता है तो लगभग 46 से 50 रोग आते हैं, और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 रोग आते हैं, और वात, पित्त, कफ तीनों बिगड़ जाएं तो 148 रोग आते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर और कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है, ये सब वात, पित्त, कफ के बिगड़ने का खेल है। तो इस देश के आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे चरक ऋषि, जैसे सुश्रुत ऋषि, ऐसे एक ऋषि हुए बाघभट्ट। बाघभट्ट ऋषि ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम, और एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अष्टांग संग्रहम। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने 7000 नियम बताए हैं, उनमें से 4 बताता हूं। अच्छे लगे तो आज से ही पालन करो, और दूसरों को भी बताओ, ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े। ये चारों नियम हैं वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए। अब वात, पित्त, कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहें, तो उसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। ये पहला नियम है। आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है, खाना खाते ही पानी पीते हैं हम तो सबके सब, और बिना पानी पिए खाना ही नहीं खाते। कई लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते हैं, खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं। ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना, क्योंकि महर्षि बाघभट्ट कहते हैं भोजनांते विषम वारी, माने भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा है। इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पिए, कारण बता दो। कारण मैं बताना चाहता हूं सरल भाषा में। हम जब खाना खाते हैं ना, तो पेट में सारा खाना इकट्ठा होता है। पेट में एक स्थान होता है, उसको हम कहते हैं जठर, संस्कृत में, हिंदी में जठर कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय भी कहते हैं। ये जठर छोटा सा स्थान है। आपके पेट में नाभि है ना, उसके लेफ्ट साइड में बाईं तरफ छोटा सा स्थान है। सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है, जो भी आप खाते हो, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, कुछ भी खाओ, सब कुछ जठर में आता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है, और उस आग को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के बोल देते हैं जठराग्नि। आप जैसे ही खाना खाते हो, पेट में, जठर में अग्नि जलती है, वो अग्नि खाने को पचाती है, और अग्नि खाने को ऐसे ही पचाती है
जैसे रसोई घर की अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में आप अग्नि जलाओ, उसके ऊपर दूध रख दो, दूध में थोड़ा चावल डाल दो, अग्नि जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहेगी। आप घर में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर पानी रख दो, उसमें दाल डाल दो, दाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अग्नि जलेगी। ऐसे ही पेट में होता है, जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि जलती है, और जब तक अग्नि जलती है तो खाने के पचने की क्रिया चलती है। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में भी खाना पकता है, इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डाइजेशन कह देते हैं। तो आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जल गई, अब वो खाने को हजम करेगी, पचाएगी। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप कि जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि जल गई और वो खाने को पचा रही है, तुरंत आपने गट 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 पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ मिलाया हुआ पानी पी लिया, फ्रिज का पानी पी लिया, क्या होने वाला है? अग्नि जलेगी कि बुझेगी? अग्नि के ऊपर पानी डालो तो अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। पानी अग्नि को बुझा देता है। तो आपने खाना खाया, अग्नि जली, पीछे से गटगट पानी पी लिया, अब अग्नि शांत हो गई, अब खाना पचेगा नहीं तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा विष पैदा करेगा, और वो 100 विष आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे, और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे। आपको मालूम है, कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है। ये गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है, ये जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना पचता नहीं। कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है, फूल जाता है, ये सब वो लक्षण हैं जब खाना पचता नहीं। तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो विष पैदा करेगा, और वो विष आपको बीमार करेंगे। इसलिए महर्षि बागभट्ट ने कहा, खाना खाते ही पानी मत पियो। समझ में आया? फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिए? कम से कम 1 घंटे तक, 1 घंटे बाद पानी पियो। आप बोलोगे जी 1 घंटा क्यों? ये जो अग्नि जलने की क्रिया है ये लगभग 1 घंटे तक ही चलती है पेट में, उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, उसके बाद पानी पी लो। तो खाना अगर 10 बजे खाया तो 11 बजे पानी पियो, 11 बजे खाया तो 12 बजे पियो, 12 बजे खाया तो 1 बजे पियो, 1 घंटे बाद पानी पियो। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि खाना खाने के पहले पी लें क्या? हाँ पी लो, 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी लो। 10 बजे खाना खाना है, 9:20 पे खूब पानी पी लो, जितना पी सकते। 11 बजे खाना खाना है, 10:20 पे पी लो, खूब पानी पी लो 40 मिनट पहले। आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है, खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़कर? तो उसके लिए बागभट्ट जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्सी पियो, मट्ठा। खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पियो, गन्ने का रस पी लो, संतरे का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, अनार का रस पी लो। अब आप कहोगे ये सब महंगी महंगी चीजें बता रहे हैं, गन्ने का रस, संतरे का रस, अनार का रस, पैसे तो है नहीं। तो सबसे सस्ता रस है नींबू का ही रस पी लो, शिकंजी बना के पी लो, वो तो सबसे सस्ता है। तो खाना खाने के बाद या तो दही की लस्सी पियो या रस पियो। और एक तीसरी चीज है, दूध पी सकते हैं। तो खाने के तुरंत बाद पीना है तो दही की लस्सी या मट्ठा, खाने के तुरंत बाद पीना है तो कोई फल का रस, खाने के तुरंत बाद पीना है तो दूध, पानी 1 घंटे बाद पियो। और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सवेरे खाना खाते हैं जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, नाश्ता, तो फलों का रस पीना अच्छा, दोपहर को खाना खाएं तो लस्सी और मट्ठा पीना अच्छा, और रात का खाना खाएं तो दूध पीना अच्छा। जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं जिंदगी में कभी भी 80 रोग उनको नहीं हो सकते। वात पित्त कफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं। तो ये पहला नियम मैंने आपसे कहा।
दूसरा नियम एक और है, और वो नियम ये है कि पानी कभी भी पियो, घूट घूट भर के पियो। जैसे गरम चाय पीते हैं, गरम कॉफी पीते हैं, गरम